नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रिंस गुप्ता। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक किसी खास मेहमान को आपके सामने लाया हूं, जिनके बारे में नासिर काजमी साहब का ये शेर बिल्कुल फिट होता है कि अक्से खुशबू हूं, बिखरने से ना रोके कोई, गर बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। यही हाल है उनका। भोपाल से गई मुंबई और उनके अभिनय की खुशबू से सारा मुंबई महक गया और चर्चा में है इन दिनों। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारी अपनी इंदिरा तिवारी की। इंदिरा, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रिंस। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे काफी दिनों बाद मिलकर। बहुत सारी बातें करनी हैं और बहुत कुछ आपके बारे में और कुछ जानना है, और दर्शकों को भी खास तौर से जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं। इंदिरा, बहुत लंबा सफर रहा है, यूं ही आसानी नहीं होती किसी मंजिल को पाने में। शुरुआती दिनों से हम बात करते हैं, उस बचपन की बातें करते हैं, उन दिनों की बातें करते हैं जब इंदिरा एक छोटी बच्ची थी और बहुत कुछ बढ़िया सा जीवन बीत रहा था। ये मैं जानता हूं कि पिता बचपन में ही आपके साथ नहीं रहे, माँ ने ही बचपन में पिता का रोल आपका आपके साथ निभाया है। तो उस बचपन की मीठी यादों की बात करें और आपकी एक बहुत क्यूट सी सिस्टर है, उनके साथ बिताए वक्त की बात करें तो कैसा रहा हो? बहुत अच्छा रहा। मतलब बचपन में पहले बात शुरू करते हैं, पिताजी की बात आप कह रहे हैं, लेकिन बाबा की कमी कभी खली नहीं, क्योंकि मम्मी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, शुरू से ही उन्होंने हमें जिस तरीके से पाला पोसा बड़ा किया है। उनके अपने सपने थे, जो खुद अपने जीवन में उन्होंने बहुत सपने देखे थे, और होता है ना कि कई बार वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आपको लगता है अभी ठीक है मैं नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ उन चीजों को लेकर आगे बढ़ूंगी। तो माँ का शुरू से वही था कि मुझे ये करने का मन था, मुझे वो सीखना था, मैं ये चाहती थी, वो चाहती थी, बहुत सारी बातें। तो हम दोनों को उन्होंने ऐसे ही बड़ा किया कि हमेशा इनकरेज करना, चीजों में ले जाना, नई चीजों के बारे में बात करना, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो सीखना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो। लेकिन ये जो आम बच्चों की तरह नहीं हो, तुम खास हो, ये खास होना क्या है, मतलब हम जीरो से जैसे ग्रो किए ना, तो हमको समझ में आ रहा था कि मतलब उनके सपने सामने से दिखते थे और हमें बस ये लग रहा था क्या करना है, मेहनत करनी है। तो वो बोल रही है मेहनत करो, मैं साथ में खड़ी हूँ, और चीजें होती नजर आ रही थी बार बार। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही है कि माँ स्ट्रांग बनकर आपके साथ खड़ी रही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि से अगर सोचा जाए तो उन्होंने कभी ऐसा फील होने दिया कि बेटा नहीं है, दोनों बेटियां हैं तो इनको आगे बढ़ाना, इनका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल काम है। कभी ऐसा फील हुआ है आपको उनकी तरफ से? नहीं, मुझे हर बार ऐसा लगा कि हमारे घर में सिर्फ दिवाली के दिन दिवाली नहीं होती थी। भले ही घर में, अगर बोलते हैं ना कि आपके घर में जितना है उतने में ही आप इतने खुश हो, तो उन्होंने शुरू से हमको ये चीज सिखाई थी। लेकिन हमारे लिए, जब मेरी माँ को पसंद होगा उस दिन जो कपड़े पसंद आएंगे वो खरीद के ला के रख देगी, तुम्हारा जब मन हो निकाल के पहनो, लेकिन ऐसा नहीं ओकेजन पे लाएंगे, चीजें लाएंगे, मतलब शायद कमी रही भी होगी बट उन्होंने वो महसूस होने नहीं दिया। और होता है ना कि आपके मन में कुछ चीज होती है, आपको कुछ चाहिए, और वो आपके बिना बोले आपके हाथ में रख देना, ये मेरी माँ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और माँ का हृदय दिल इतना बड़ा होता ही है कि बच्चों के मन की बात समझ जाती है, इसलिए तो माँ है। और निश्चित ही बहुत ही प्रेम से प्यार से आपका लालन पालन उन्होंने किया दोनों बहनों का। शुरुआती स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो कैसा रहा वो माहौल स्कूल का? और उस समय भी आप एक कलाकार तो आपके अंदर था, उस समय से बचपन में ये कलाकार आ गया था आपके अंदर, तो क्या रहा वो माहौल, किस तरह से उस कलात्मक माहौल से फिर आप जुड़ते गए? मतलब मुझे लगता है हम लोगों को ना एक तो खेलने का, दोस्त बनाने का, लोगों से मिलने का, ये हमारी लाइफ का कभी भी ये हिस्सा था ही नहीं। और हमारे घर में भी जैसे कि हमने हमारे नानी को देखा, नाना को देखा, और फैमिली मेंबर्स को देखा, फिर मैं नानी के पास ज्यादा रही हूँ बचपन में, क्योंकि जब मैं हुई उसके बाद मम्मी जॉब कर रही थी तो मेरी माँ ने मुझे नानी के पास भेज दिया और वो काम कर रही थी, फिर ऐश्वर्या हुई, तो ये सारी चीजें होती रही। तो मुझे लग रहा था कि उनका था ना कि मतलब वो भी फोकस है काम को लेके, चीजों को लेके, और हम भी। तो स्कूल में एडमिशन दिलाना, पेंटिंग पे मेरा बहुत बचपन से बहुत शौक था, तो हमेशा उस शौक को उन्होंने देख के मेरे करियर की तरफ बढ़ाया कि तुम्हें इसमें बनाना है जिंदगी। और वो बोलती भी थी कि मतलब होता है ना कि तुम बनाओ चीजें करो, और कंपटीशन भोपाल, मतलब भोपाल इतनी खूबसूरत जगह है, मैं तो सबसे बड़ी, तो मैं, मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी कि मैं भोपाल में पैदा हुई हूँ।
मतलब भोपाल में रहने वाले लोग भोपाल का जो अपनत्व है और भोपाल का जो माहौल है उसको हाँ कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वहां की परवरिश ही एक अलग है और एक खुला वातावरण प्रकृति के नजदीक और अपनापन सभी लोगों के बीच में रहकर। दोस्त आपके कम हैं लेकिन बहुत अच्छे उस समय के हैं, मतलब जितने भी आपके दोस्त बचपन के रहे हैं, नहीं, स्कूलिंग मतलब के। थे ही नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ, माँ चार के का बराबर। सीजन ये काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वर्कशॉप हो रही है, रिहर्सल में इतना बिजी है, एक एक दिन में स्कूल से आने के बाद 2 रिहर्सल 3 रिहर्सल, कभी बाल भवन जा रहे हैं चीजें सीखने, कभी ड्रॉइंग क्लास चल रही है, कभी म्यूजिक चल रहा है, कभी डांस ज्वाइन कर लिया। तो उनका ऐसा था ना कि सब कुछ करवाते थे, तो बोलते ना कि बच्चा आगे से आके बोलेगा कि शायद इस चीज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने हमको ना ट्राई सब कुछ करवाया, और हर बार बोलती थी कि तुमको सब कुछ आना चाहिए, मतलब ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं हो जो तुमको नहीं आती हो। तो बिल्कुल उनका बिल्कुल, मतलब मैं भी व्यक्तिगत तौर पर आपकी माताजी को जानता हूं और निश्चित ही वंडर वुमेन हैं वो। उनके बारे में ये कहना मेरे लिए बहुत सार्थक होगा, क्योंकि उन्होंने जो कोशिशें आप लोगों के लिए की, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतर है जो आज हमें दिखती है आपके रूप में, आपके सुंदर के रूप में। बाल भवन का आपने जिक्र किया, बड़ा खुशनुमा माहौल आपको वहां मिला, और केजी चचा तो आपको याद ही होंगे बाल भवन के, जिनके साथ आपने काफी वक्त बिताया है और वो बहुत कुछ सीखा है आपने बाल भवन में। वहां की यादों के बारे में कुछ बताएंगे आप? बहुत सुंदर। स्कूल स्कूल खत्म होने के बाद बाल भवन टाइम पे पहुंचना, मम्मी का टिफिन भर के खाना लेकर आना, वहां पेड़, जो बाहर की तरफ पेड़ है जहां हम खेला करते थे, मतलब हमारी सारी एक्सरसाइज होती थी वहां पर। जी जब जी हम अंदर रहते थे, अंदर घुटन होती थी, तो चाचा हमको बाहर लेके जाते थे कि चलो थोड़ा पेड़ के पास करेंगे जाके, नुक्कड़ नाटक की तैयारियां करना, छोटे छोटे प्ले बनाना, उस पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाना, इंतजार करना कि अगली क्लास कब होगी, मतलब इतना सुंदर। और उसके अलावा जैसे क्लासेस की भी बात करें, इतने सारे बच्चे आना, कितने अलग अलग चेहरे दिखते थे वहां पर, मतलब। और मेरे को पेंटिंग करती थी तो मुझे इतना मजा आता था, इतनी बॉडी देखने को मिल गई, कितनी सारी बॉडीज हैं, कितने अलग अलग पोस्चर्स हैं। और विनय सप्रे सर, जिनके साथ मतलब मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने पेंटिंग सीखी, तो विनय सप्रे सर जब वो मेरी तैयारी करवा रहे थे राष्ट्रपति पुरस्कार की, तो वो एक्सरसाइज करना, चीजें करना, पेंटिंग बनाना, कभी ऊपर कूद रहे कभी नीचे जा रहे, मतलब इतना इतना फन होता था। मतलब मुझे लगता था कि हम काम में मजे कर लेते थे, इसलिए मैंने बोला कि हमारे खेलने वेलने का हमारा कुछ था ही नहीं कि शाम को खेलना है, काम में बाल मजे भवन, कर बाल रहे। भवन को हम बाल मन का भवन कह सकते हैं, जो मन की करा दे वो बाल भवन। बिल्कुल, और अपने गुरुजनों को भी आपने याद किया इस वक्त ही। सप्रे सर वाकई बहुत अच्छे पेंटर हैं, गुरु हैं वो पेंटिंग के। विनय सप्रे सर हुए, विभा जी मिश्रा दीदी हुई, जिनके पास मैंने शुरू किया जी था। जी जी और आप विभा नहीं दीदी मिले हमेशा एक चीज बोलती थी, कहती थी कि सब कुछ करना है तुमको, वो खिचड़ी खिचड़ी बना दोगे क्या? तो के पेंटिंग करना है, नाटक भी करना है, सब कुछ करना है। तो मैं बोलती थी हाँ सब करूंगी, मम्मी बोलती है, लेकिन हर चीज में मैं पारंगत होके दिखाऊंगी समय जी, लेकर। परफेक्ट होने की बात हमेशा जुड़ी रही है आपसे। माँ भी आपसे परफेक्ट होने की बात कहती रही कि फोकस रहो, अपने काम पर ध्यान दो, मल्टी टैलेंटेड बनना है। तो एक प्रेशर तो रहता है इंदिरा इस तरह का, कि पेरेंट्स अगर कोई उम्मीद लगाते हैं आपको, आपसे, और बहुत कुछ आपकी केयर करते हैं, तो उनकी उम्मीद स्वाभाविक सी है। तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं कुछ ज्यादा है, मैं शायद इतना कर पाऊं या नहीं कर पाऊं? प्रेशर नहीं था, मतलब मुझे कोई चीज प्रेशर नहीं लगी। मुझे लगा कि उन्होंने जैसे एक वो रीति रिवाज जैसे बोलते हैं ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बच्चा पैदा ही होता है और आप उसके सामने 10 चीजें रख देते हो, फिर आप देखते हो क्या उठा रहा है, क्या कर रहा है चीजें। तो मुझे मम्मी का हमेशा लगा हर जगह लेकर जाना, रिलैक्स रहना, सीखना, वहां पे रहो, कंफर्ट उनका सबसे बड़ा काम था, आपको कंफर्ट करवाना। लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट आता है, जिसमें वो कहती है कि उनको लोगों से बचाना भी है हमको, क्योंकि उनका बोलना है कि अगर तुम इन सब चीजों में फंसोगी तो तुम काम कब करोगी। तो वो मतलब थोड़ा मिक्स सा चलता है, लेकिन किसी भी चीज का प्रेशर नहीं आता। तो मुझे कभी कभी लगता था कि माँ जो बोल रही है वो हम कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। कभी कभी दिमाग ऑपोजिट सोचता है, इस चीज को क्यों मना किया, उस चीज को क्यों मना किया, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है। फिर मुझे लगता था नहीं, वो जो देख पा रही है वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, जो उनको दिख रहा है वो मैं शायद नहीं देख पा रही हूँ। कभी कभी कॉन्फिडेंस मेरा अपने आप में लो हो जाता था, क्योंकि स्कूल डेज में बड़ा अजीब सी एक बात है, स्कूल डेज में लोग मुझे ऐसे बोल देते थे,
ये राजीव गांधी को जिसने मारा है ना, ये वैसी दिखती है। तो मुझे बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे लगता था कि चश्मा बिल्कुल लगा के एक डार्क सी लड़की जो व्हाइट कलर की स्कूल ड्रेस में आ रही है, तो जिस दिन दूसरा कलर पहनना होता था उस दिन तो चिल रहता था सब मामला। जिस दिन सफेद ड्रेस का दिन होता था, वेडनेसडे, उस दिन बड़ा ऑफ फीलिंग होती थी। वो सफेद में मैं और उभर के दिखती थी। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा अटपटा लगता था। या फिर एक बार मुझे याद है मेरी एक टीचर ने बोला था, सॉरी मैम, लेकिन मैम से मेरी अभी भी बात होती है, क्लास के दिनों में मैं मैथ्स और साइंस में बहुत खराब थी, बहुत, मतलब मेरी सप्लीमेंट्री आ गई थी 10th में। लेकिन उसके अगले दिन मैं नाटक करने चली गई थी, तो मम्मी गुस्सा कर रही थी थोड़ा कि मतलब पढ़ाई पूरी नहीं करोगी तो आगे क्या करोगी लाइफ में। तो मेरी मैम ने मुझे एकदम सबके बीच में खड़ा करके बोला कि पेंटिंग करती हूँ अच्छी बात है, स्कूल का नाम रोशन होता है अच्छी बात है, कंपटीशन में फर्स्ट आती हूँ सब बढ़िया है, पर तुम्हें क्या गोंड चित्रकार बनना है क्या? तो मुझे ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था, क्योंकि मतलब हाँ, मुझे आता है, मुझे अपने एमपी का गोंड आर्ट आता है, मैंने श्याम दादा से सीखा है, लेकिन ये बात मुझे चुभी तो थोड़ी सी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी बात का असर भी हुआ। वो मुझे बार बार पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं चीजों से निकल जाऊं, वरना शायद ये सब होता ही नहीं कुछ जो अभी हुआ है। जी जी बिल्कुल, यानी कि वहां से कुछ एक अलग सोच ने जन्म लिया मन में कि ये मेरी मंजिल नहीं हो सकती, मेरी मंजिल तो कुछ और है। बाल भवन की बात होती है तो बाल श्री बचपन में ही ले लिया आपने, बच्चों को सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल ने आपको सम्मानित किया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बाल श्री बचपन में ही ले लिया तो लड़की गुणी तो है, मतलब आगे जाएगी, ये तो तय हो गया था। हाँ, तो वो मतलब अवार्ड मम्मी का हमेशा से होता था कि अवार्ड इसलिए नहीं लेना है कि चीजें हो के खत्म हो जाएंगी। वो हमेशा बोलती थी कि अवार्ड लेने के बाद भी क्या हो रहा है। वो हमेशा कहती थी अवार्ड अचार की तरह, मतलब वो तुम्हारी थाली में सब चीजें हैं, उससे तुम्हारा पेट भरना है, जो तुम्हारी स्किल्स है, काम है, तुम्हारे मन की चीजें, पढ़ाई है, लिखाई है, परिवार है, लेकिन अचार मतलब वो अवार्ड होना कि कभी कभी मिल जाए तो अच्छा लगता है, पर हर वक्त अचार से पेट तो नहीं भरा जाता। तो बहुत सारी चीजें बोलना। तो प्रेसिडेंट अवार्ड भी ऐसे ही था कि एग्जाम में बैठे पेंटिंग कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं। वो फेज मुझे लगता है इतना इतना एनर्जेटिक था कि जिसमें आप ड्राइंग क्लास से निकल के कुछ बना के निकलते हैं, फिर आप मूर्ति में जाते हैं, थोड़ी देर बैठ के आप लगे रहते हो 2 घंटे, मिट्टी गूंथ रहे हो, मिट्टी में बना रहे हो, फिर क्राफ्ट बना रहे हो, आपकी तैयारियां हो रही है, आपको पता चल रहा है कि हर दिन रिजल्ट लग रहा है, कुछ कुछ महीने के बाद रिजल्ट लग रहा है, और आप एक एक लेवल पार करते जा रहे हो। तो जब आप अपने कुएं से निकल के बाहर की तरफ जाते हैं, कहीं और जाते हैं, और आप अपने जगह को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं भोपाल से आई हूँ, मैं जोनल कॉम्पिटिशन में जब अटेंड कर रही थी तो मैं कानपुर गई थी, तो ये था कि जोन लेकर आए हम, जोन में कॉम्पिटिशन करें, और जैसे ही दिल्ली जाते हैं, दिल्ली मतलब इतना बड़ा, ऐसा कि मतलब ऐसी पेंटिंग है, ऐसे कलर्स, ऐसा टेक्निक, कोलकाता से जो लोग आए थे, कोलकाता के लोगों का काम करने का तरीका, उनके कलर का एक एक स्ट्रोक इतना खूबसूरत था कि ऐसा लगता था ये मुझे नहीं आता, मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये तो मुझे नहीं आता, ये मेरा स्टाइल नहीं है, मेरा स्टाइल दूसरा है। तो इसे बोलते हैं ना कल्चरल एक्सचेंज होना, मिलना, दूसरों का काम देखना, अप्रिशिएट करना, बहुत बहुत मजेदार था। बिल्कुल बिल्कुल इंदिरा, यहाँ एक चीज और मेरे मन में आती है कि बहुत सारी चीजें आप कर रही थी, पेंटिंग भी कर रही थी, बहुत सारी चीजें सीख रही थी, लेकिन वहां आपने कहा कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो कुछ और है, उस तरफ धीरे 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 वो मन फोकस्ड होने लगा और आप थिएटर की ओर जाने लगी, भारत भवन और बहुत सारे रंग गुरु के साथ आपने काम किया और बहुत गुणी लोगों का भोपाल में आपको साथ मिला। भोपाल में हम कहें तो थिएटर काफी रिच है, काफी कोशिशें करते हैं लोग और काफी करते हैं थिएटर को, मैं भी काफी लोगों को ऐसे जानता हूँ क्योंकि मैं भी भोपाल से हूँ, आप भी भोपाल से हैं। तो फिर धीरे 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 इन सारी चीजों को एक तरफ करते करते, जैसे हम तैरते हैं ना और तैर कर एक किनारे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो थिएटर आपका किनारा हो गया वहां पर, ये हम कह लें, कैसे कैसे फिर आप सारी चीजों को करते गए? तो मैं बताऊं आपको कि मैं अपना पेंटिंग का सफर और थिएटर का सफर मेरा एक साथ शुरू हुआ था सबसे पहली बार। तो मेरी आज पेंटिंग जितनी भी अच्छी है वो मेरे मतलब थिएटर की वजह से, या थिएटर इतना अच्छा है पेंटिंग की वजह से, दोनों एक दूसरे के होते हैं ना कि पूरक है, एक दूसरे को वो फुलफिल करते हैं। बिल्कुल, या तो थोड़ा सा ब्रेक
राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि आपने कैनवास के रंगों को अभिनय में उतारा है। हाँ सच बात है, मुझे वही आता है, मैंने जिंदगी भर से वही किया है, तो उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। मतलब जी बिल्कुल, उसी बात पर वापस चलते जैसे हैं, पेंटिंग के साथ थिएटर। कोई भी कला होती है, जो भी हम कोई भी आर्ट फॉर्म उठा के देख लो, सिर्फ शायद मीडियम बदल जाते हैं, पर आर्ट आर्ट है। तो आपका मतलब उस चीजों को करने के दायरे बढ़ जाते हैं, कुछ चीजें पेपर में सीमित रहती है, कुछ चीजें स्टेज पर पहुंच जाती है, लिखी हुई चीजों को मंचन कर दिया जाता है। मतलब बिना एक दूसरे के कुछ भी सब कुछ अधूरा रहेगा शायद, तो कोई भी चीज पूरी नहीं है। तो मैं जब पेंटिंग शुरू कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि यार इतने लोगों को काम करते देखना और उनको बनाना कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर मैं किसी किताब से बनाऊं, किसी और का पेंटिंग रिपीट करूं, क्रिएट करूं, रिक्रिएट करूं, तो उसमें मजा नहीं है कुछ। तो थिएटर और पेंटिंग मैंने दोनों साथ में शुरू करी थी। मेरी पढ़ाई भी पूरी पेंटिंग में हुई है, मैं विजुअल आर्ट की पढ़ाई पढ़ी है, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से। तो मुझे लगता था हाँ, फिर मैं सोची एमए करूंगी, मैं तो मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स करूंगी या एमएफए करूंगी, बट मेरा मन एनिमेशन करने का था शुरू से। तो मुझे लगता था मैं एनिमेशन सीखूंगी, चीजें बनाऊंगी, लेकिन फिर होता ना ये उस तो दौरान मुझे उसकी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप, कैनवास की, और निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम आपको वापस पकड़ के, बच्चा भागता है ना, हम पूछना कुछ चाहते हैं और बच्चा कहीं और जाना चाहता है, तो बच्चे नहीं, को मैं पकड़ बता के जा रही हूँ, बच्चे को पकड़ो। थिएटर की तरफ लाना चाह रहे हैं उस बच्चे को। पेंटिंग तो चल रही थी, ये तो बहुत हाँ कॉमन सी बात है कि आपने सीखा, उसको माहौल मिला तो वो चल, लेकिन हाँ अभिनय अभिनय की बात हो रही है, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि अभिनय से जुड़ना, फिर उससे उसमें पूरी तरह डूब जाना, फिर SSD में जो नाट्य विद्यालय में एडमिशन होना, फिर उसके बाद और बड़ा कैनवास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चले जाना दिल्ली, और फिर उसके बाद फिर मुंबई का सफर। तो ये इतना आसान थोड़ी रहा है इंदिरा आपके लिए, कहीं ना नहीं, कहीं एक रास्ता आपको बनाना पड़ा है भोपाल के उस रंगकर्म से। नहीं मैं बताने जा रही थी क्या होगा। मैं अगर एडिट करके बताऊंगी ना, एक तो मुझे कहानी पूरी बताने की आदत है, ये बात सुन लो, मुझसे बात करोगे ना तो 5 मिनट में बात पूरी नहीं होगी। तो मैं मुझे एडिटर हूँ, लगता है कोई चीज मिस नहीं हो जानी चाहिए, लेकिन हाँ मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मेरे जिंदगी के 28 साल की बात हम अगर 28 मिनट में करेंगे तो थोड़ा अलग है। आप मुझे रिविजिट करवा रहे हो पूरा। तो ऐसे खींचते रहना मुझे बीच में, कभी कभी मैं इधर उधर जाऊँ तो। तो मैं थिएटर भी कर रही थी, मैंने ऑलमोस्ट भोपाल में सभी ग्रुपों के साथ काम किया है, और एक दो ग्रुप्स को छोड़ के, एक दो लोगों को छोड़ के ऑलमोस्ट सबके साथ। तो मेरे को एक नॉर्मल थिएटर हम प्ले कर रहे हैं, नुक्कड़ बना रहे हैं, माइम कर रहे हैं, बैले कर रहे हैं, मुझे सब चीजों के मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा था चीजें, और मैं सीखती जा रही थी। इसी बीच में तनवीर भाई का मैं एक नाटक कर रही थी, सिंगारदान, वो मेरे भोपाल में, मेरा मतलब भोपाल में किया हुआ आखिरी नाटक था, वो मैं कंप्लीट कर रही थी, और तनवीर भाई ने मेरा फॉर्म लाए थे NSD का। तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बहुत काम किया, लेकिन मुझे मुझे अपना काम बनाना आना चाहिए। मतलब कोई भी कुछ भी मुझसे कहता है कि इंदिरा मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मैं ऐसा चाह रही हूँ, या मैं कविताओं में काम कर रही हूँ, तो संजय भाई हो गए, संजय मेहता जी मुझे समझा रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, वो सब चीजें मैं कर देती थी। लेकिन मुझे अगर बोलो कि ये स्क्रिप्ट है और अपनी चीजें बनाओ, तो वो मैंने कभी किया नहीं था। मुझे अपनी चीजें बनानी नहीं आती, मुझे अपने तरीके नहीं आते थे। तो तनवीर भाई का बोला था, जिस दिन तुम NSD जाओगी ना, तुम अपना तरीका ढूंढ लोगी और तुम्हें इतना मजा आएगा काम करने में कि तुम ऐसे ब्रॉड हो जाओगी, व्यापक बोलते हैं जिसे, इतना अच्छा बोल के। और मम्मी का कंटिन्यू था कि जो पढ़ना है यही पढ़ना है, बाहर क्यों जाना है, हमने बाहर जाने का तो कोई डिसाइड किया नहीं था इंदिरा। तो माँ को समझाना भी है, एक फॉर्म भी भरना था, सब कुछ हुआ और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई NSD। बिल्कुल, और आप दिल्ली चली गई भोपाल से, लेकिन थिएटर की थोड़ी सी बात और हम करना चाहेंगे। जिन लोगों के साथ आपने थिएटर किया, उसमें बहुत सारे प्लेज किए, और माइम का जैसे आपने जिक्र किया कि वो भी आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं उसके भी, और एक अभी कमेंट आया था थोड़ी देर पहले कि माइम की भी बहुत अच्छी आप आर्टिस्ट हैं, तो आपके जो देखने वाले हैं अभी, जो जिन्होंने देखा होगा उन्होंने वो कमेंट किया। थिएटर का वो काम, वो जो एक कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी होती है और जब उसको हम कोई आकार देते हैं, फिर पकाते हैं, उसके बाद एक वो कोई स्वरूप में आती है तो मजबूत होती है, तो वो बेसिक है आपका। मुझे लगता है कि आज जो अभिनय आप कर रही हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म
फिल्में कर रही हैं बड़े बड़े बैनर्स की, तो उसके अगर भूमि में हम जाते हैं तो भोपाल का वो थिएटर बहुत बेस का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतने लोगों के साथ काम नहीं किया होता, लोग लोग जैसे काम करते हुए आप अपने डायरेक्टर्स को समझते हो, एक पॉइंट के बाद आप किसी के साथ लंबे समय काम करते हो और आप उनका एक इशारा भी समझने लगते हो, क्योंकि आदत हो जाती है आपको पता है। तो वो चीज मतलब यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई आपको टाइम नहीं देगा समझने के, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि आप सीख लो समझ लो, आप में है तो है, नहीं है तो पीछे हटो, और भी लोग हैं। तो अगर यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में नहीं आती तो मुझे भी तकलीफ होती, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हुई। तो बोलते ना कि वो उस तरीके का स्ट्रगल नहीं हुआ, काम मुझे बहुत हाथों हाथ लोगों ने दिया, मेरे स्किल को समझा, मुझे ये भी बताया कि मेरे में खासियत क्या है। सच बात है कि कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि आप जी बिल्कुल, घूमते रहते हो उन्हीं चीजों में, लेकिन टचवुड मुझे इतने अच्छे गुरु मिले, मेरे सारे गुरु इतने कमाल के थे जिन्होंने मुझे बताया कि इंदिरा ये हो रहा है, ये प्लस है, इंदिरा ये माइनस है, तो तुम समझो, थोड़ा सा इस पे काम कर, थोड़ा उस पे काम करो। तो भोपाल से ऐसा लगा भोपाल ने मुझे तैयार कर दिया था। और जब मैं दिल्ली गई तो दिल्ली में और भोपाल में फर्क ये था कि भोपाल में मेरी माँ मुझे हर जगह ले जाया करती थी चीजें सीखने के लिए, पर दिल्ली में जो मेरा इंस्टीट्यूट है, जो मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, उसने मेरे को क्या किया, हर चीज मुझे हाथों हाथ दी। तो मैं एक ही जगह पे बैठी थी, प्लस पॉइंट ये था, आपको ऐसा फील होगा कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में हो, मतलब कि आपको तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD जिसको कहा जाता है, बहुत ही देश का प्रतिष्ठित संस्थान है रंगकर्म को लेकर, बहुत ही गुणी और ज्ञानी लोग वहां से निकले हैं और देश में आज वो देश के विदेश में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहे हैं अपने अभिनय से, अपने रंगकर्म से। बहुत बारीकियां वहां सिखाई जाती है और बहुत मुश्किल से वहाँ एडमिशन होता है और बहुत ही परिष्कृत होकर वहां से एक कलाकार निकलता है, व्यक्ति जाता है और बन के कलाकार निकलता है, मतलब आप पॉलिश्ड हो जाते हैं। तो वो 3 साल का अनुभव बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगा। संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा, मतलब कि 3 साल जो है उन्होंने अपना मॉड्यूल इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिस मॉड्यूल में हम लोग एक जगह पे रियलिस्टिक प्ले भी करते हैं, हम लोग एक जगह पे फोक में भी रहते हैं, हम लोग पिछले किए हुए क्लासिकल में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं। तो हम उन 8 प्ले जो हम बनाते हैं, जो 8 प्ले डायरेक्ट किए जाते हैं अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, वो सब उसके साथ हम मतलब फोक इनपुट के लिए हम कहीं बाहर जाते हैं, उस गुरु के साथ हम रहते हैं, सीखते हैं। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, या फिर हम एक स्कूल में रहते हैं जिसमें हमको 5-6 टीचर्स दे दिए जाते हैं जिनके साथ हम 24 घंटे काम करते हैं, और उन 26 लोगों के साथ पूरे समय रहना, काम करना, जब मन में आया बैठे, मतलब पेंट हो रहा है सेट तो लगे हैं, जब मन में आ रहे कुछ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये माहौल, मतलब आप कभी पार्ट टाइम काम करते हो और आप एक फुल टाइम काम करते हो, तो दोनों में बहुत फर्क होता है, रिजल्ट का फर्क होता है। 100 तरीके होते हैं जो आपको पता होते हैं कि ये नहीं वर्क करने वाले, तो आपको अपने तरीके मिल जाते हैं। तो NSD के 3 साल मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे। जिस दिन मैं पास आउट होने वाले थे, हम आखिरी दिनों में हमें हमारा काम बनाना होता है, खुद का काम, तो मुझे पता चल रहा था कि मैं अपने तरीके से अपनी पसंद की चीजें लेकर मैं अपना काम कर पा रही हूँ। तो आज मुझे निकाल के आप बोलो कि इंदिरा ये बनाना है, तो अब मैं अपनी चीज बना सकती हूँ, मैं किसी और को समझा सकती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। बिल्कुल, यानी कि तो आपको अपना तरीका मिल गया वहां जाकर, ये कह लें हम एक शब्द में NSD में, कि हाँ, आपको एक कलाकार के बतौर आपको अपना एक तरीका मिल गया। लेकिन और NSD से एक नहीं बहुत तरीके मिले हैं, मतलब जब जो इस्तेमाल होगा वो तरीका मिला है। बिल्कुल ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कितने तरीके ढूंढ लेते हैं। इंदिरा, बहुत आसान और इतना वो इजी नहीं होता है कि NSD से निकलने के बाद आपको कोई और दिशा दशा क्या होगी आपकी। NSDN होगा इसका मतलब ये नहीं कि आप फिल्मों में जाकर बहुत बड़े एक्टर भी हो जाएंगे या रंगकर्म करके बहुत बड़े रेपर्टरी के डायरेक्टर हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा कैनवास, अब दुनिया आपके सामने थी और उस दुनिया के रंगमंच में आपको एक इंदिरा जो अभिनेत्री बन चुकी थी वहां से परिष्कृत होकर सिद्ध करना था कि हाँ मैंने जो सीखा है वो मैं प्रूफ करूंगी। तो फिर वहां से लेकर मुंबई तक का सफर, आप भोपाल से दिल्ली आ गए, NSD के 3 साल बीत गए, अब मुंबई का सफर शुरू होता है एक कलाकार का। या कुछ और सोच रखा था कि मुंबई थोड़ा देर लेट जाऊंगी? नहीं, मुंबई का एक्चुअली मुंबई प्लान में नहीं था, सो सॉरी टू से, लेकिन
चीजें, जैसे एनएसडी प्लान में नहीं था मेरे, मुझे बस ये पता था कि मेरे पहचान में जो एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है वो सब एनएसडी जाना चाहते हैं, लेकिन ये वही बोलते कि हलवा नहीं है, मिलेगा नहीं तुरंत के तुरंत एडमिशन, ये थॉट हमेशा रहता था, सब लोग बोलते थे। तो मैंने माँ को भी झूठ बोला था, ट्राई करके देखूंगी पर जाऊंगी नहीं, तो पर हो गया चीजें। तो ऐसे ही मुंबई का भी जो है, मुंबई मेरे प्लान में कभी था नहीं, मुझे लगा मैं भोपाल जाऊंगी वापस, मैं चीजें करूंगी। जैसे पेंटिंग का एक होता है ना कि एक समय पेंटिंग का बहुत उछाल चल रहा था भोपाल में, कॉम्पिटिशन होते थे, चीजें होती थी, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ, बट पेंटिंग गैलरी में भी लगेगी ना तो वो गैलरी तक सीमित है, अब कोई घर लेकर नहीं जाता खरीद के चीजें। तो मेरे दिमाग में चल रहा था जो काम मैं कर रही हूँ उससे मेरा और करियर आगे क्या है मुझे, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए सच बोलूँ तो। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो चीज करने का, शायद मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं करना चाहती कि उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं या बहुत खुशी, मतलब खुशी के लिए फिर भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं होगी वो चीज मुझे करनी नहीं है। तो एनएसडी का, एनएसडी से जैसे ही निकली थी ना तो मेरी फिर वही कि मेरी किस्मत टचवुड बहुत अच्छी थी कि जो डायरेक्टर्स ने मुझे देखा एनएसडी में, जैसे सुमन मुखोपाध्याय सर है, जी तो जी वो हमारे यहाँ प्ले करवाने आए थे, और मैं जब हम लोग अपना एप्रिसिएशन कोर्स के लिए पुणे गए हुए थे 15 दिन के लिए एफटीआई है, तो वहां पे मेरे को कॉल आया और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम फिल्म करोगी क्या, मैंने लिखी है, अगर नहीं करोगी तो फिर मैं किसी और को पूछूंगा, बट शायद मैंने तुम्हें नजरबंदी सोच, नजरबंदी, नजर मेरी, नजरबंद मेरी पहली फिल्म है, तो वो मुझे मिली तो मैंने जैसे ही उसको कि हाँ मुझे करना है, अब मैं सीखूंगी भी चीजें भी करूंगी, तो मेरे लिए मीडियम चेंज हो रहा है। दूसरा, त्रिपुरारी मैम ने मुझे एनएसडी के टाइम पे ही कहा था कि टीचर्स या जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि थिएटर किया है पर डरने की बात नहीं, अगर पिक्चरें भी आएंगी ना तो बिना डरे आगे बढ़कर जाना, काम करना, ये मत सोचना कि तुम शायद नाइंसाफी कर रही हो या तुमने झूठ बोला कि तुम एनएसडी गई थी पढ़ने के लिए और थिएटर करके निकलती साथ पिक्चर विक्चर कर रही हो और थिएटर नहीं कर रही हो, तो बोले ये बोझ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है कभी भी, क्योंकि एक्टिंग एक्टिंग होती है, चाहे तुम यहाँ करो चाहे तुम वहां करो, तो जब मौका मिले सब कुछ तुम्हारा है, पूरा मंच तुम्हारा है, खेलो। तो ये बात बोलते हुए तो मैं, सुमन सर की फिल्म मुझे मिली और मैं काम कर रही थी कोलकाता में, मुझे मेरी दूसरी फिल्म भी कोलकाता में ही मिल गई, तो मैंने सृष्टि भी वहीं पर किया। सृष्टि होने के बाद मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आई थी मुंबई में, जबकि मैं सीरियल नहीं करना चाहती थी, उस मीटिंग को मैंने बहुत इंथू होके अटेंड किया और इत्तफाकन मुझे सतविंदर मिले जिन्होंने मुझे नंबर दिए कि यार कास्टिंग डायरेक्टर से बात करना चाहिए, मैसेज ड्रॉप करो, आगे बढ़ के बात करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना करेगा सामने वाला, तो ये जो डर है मेरे दिमाग से निकाल देना कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास तुम्हारा स्किल सेट है, तुमने बचपन से अभी तक काम किया है, बात करना बोलना जरूरी है और लोगों को पता होना चाहिए कि तुम प्रिपेयर हो, किसी भी तरीके की चुनौती के लिए तुम तैयार हो, ये सामने वाले को पता होना चाहिए, जब तक वो पता नहीं होगा सामने वाला आपको मौका ही नहीं देगा, और वो मौके की तलाश में आप इंतजार भी नहीं कर सकते, आप अपने घर में बैठे हो किसको पता चल रहा है आप तैयारी करके बैठे हो। इंद्रा, ये बहुत सही बात आपने कही है। नजरबंद के कैरेक्टर की हम बात करें, उसके बाद फिर सीरियस मैन के कैरेक्टर की बात करें, दो कैरेक्टर अलग अलग तरह से आपको मिले। नवाजुद्दीन के साथ आपकी सीरियस मैन थी, तो सबसे पहले नजरबंद का वो कैरेक्टर जो आपको मिला और आपने निभाया, क्या कैरेक्टर था और किस तरह से आप जस्टिफाई कर पाई? क्योंकि पहली फिल्म थी तो बहुत कुछ दिमाग में चल भी रहा होगा, और आपको एक सिनेमा कि पहली सीढ़ी पर कदम रखना है तो बहुत ही प्रूफ भी करना है खुद, नहीं तो आगे पता नहीं रास्ते खुलते हैं या बंद होते हैं। तो नजरबंद का जो कैरेक्टर था, वासंती का कैरेक्टर, तो मेरा ऐसा हो रहा था कि पहली बार स्क्रिप्ट मिली थी तो आप इसे बोलो कि थोड़ा सा अंदर धक धक बहुत बड़ी हुई थी, क्योंकि एकदम से फिल्म मिल गई, एकदम से लीड मिला हुआ है, आपको पूरी पिक्चर का ग्राफ बनाना है, नाटक में तो क्या करते हो आप, पूरे महीने महीनों भर नाटक की रिहर्सल करते हो, बट अब फिल्म होगी तो जो उस वक्त होगा वही होगा सब कुछ, तो मेरे मन में तो मैं रोज रीडिंग करके सोती थी, रोज एक बार स्क्रिप्ट पूरी रीड करके सोती थी, तो जब सर के साथ वर्कशॉप हुई और सर ने वर्कशॉप करवाई अपने तरीके से, तो मेरे मेरे मुंह से तुरंत निकला कि मुझे लगता है कि ये जो वासंती है ये टच मी नॉट प्लांट है, तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि एनएसडी के टाइम पे जैसे डेविड जिंडल सर हैं जब बाहर से आए थे पढ़ाने के लिए चीजें करने के लिए, तो हर क्लास की एक एक्सरसाइज घूम रही थी दिमाग में कि मैंने जो सीखा है वो मैं कैसे लगाऊं, ये शायद एज अ स्टूडेंट मेरा काम होना चाहिए, अगर मैं वो कर पाई और वो चीज वर्क कर गई तब मुझे पता चलेगा कि यार मजा आया कुछ, तो मैंने इमेज वर्क लगाई थी
टच मी नॉट प्लांट यूज किया था फिल्म के टाइम पे, वो मेरे लिए थ्रू एंड थ्रू थ्रू आउट पूरी फिल्म मेरे को यूज हुआ, वो वर्क किया, और कहीं पे भी वो इमेज ना छूटी नहीं। कभी कभी छूट जाती है ना, तो आपको लगता है शायद आप भटक गए, पर वैसा नहीं हो रहा था। बहुत बहुत मजा आया काम करने में, तो नजरबंद उस तरीके से। लेकिन सीरियस मैन टोटली मेरे लिए अलग हुआ, क्योंकि अभी फिर और बड़ा दायरा खुला। जैसे दिल्ली ऐसा था, बम्बई ऐसा हो गया, वैसी नजरबंद एक हमने कलकत्ता में ऑन रोड शूट की हुई फिल्म थी। सीरियस मैन में हम स्टूडियो में आ गए थे, कहीं कहीं हमारे सेट लगे हुए थे, चीजें थी, तो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे वो अलग था। रोड पे काम करना, सुविधाएं। निकल कर अगर हम आते हैं सीरियस मैन के कैरेक्टर, लीड रोल था आपका, और अब यहाँ फर्क ये था कि आपके अपोजिट नवाजुद्दीन थे, बहुत सशक्त अभिनेता और स्टेब्लिश थे, और आप न्यू, तो क्या अब थोड़ा डर बढ़ा या कुछ और चीजें ऐसी हुई कि अब करना क्या है? नजरबंद तो ठीक है, नहीं, डर देखो मैं बताऊं, मेरे पूरे मैटर में ना डर कहीं नहीं था। मुझे डर एक ही बंदे से लगता है, वो मेरी माँ है। मतलब उसके अलावा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती हूँ। तो व्यक्तिगत तौर पर उन्हें भी जानता हूँ, आप लोगों को भी जानता हूँ, दोनों सेटर्स को। मॉम का जो रूल है वही रूल है, मेरा मेरा वचन मेरा रूल है, मतलब वो कह सकते हैं हम। तो डर नहीं था, इस वजह से इतना खुलापन था कि किसी से भी बात करना, मैं तैयार हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मेरे लिए कुछ खास है क्या। हर बार ये बोलना कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो तो मुझे बता दीजिएगा, इतनी सी बात बोल के खाली, मतलब उनको छोड़ देना उनके ऊपर, अगर वो होना होगा तो होगा। तो डर किसी चीज का नहीं था। और नवाज सर को लेके ऐसा था कि स्कूल से ही मेरे मन में था कि मुझे इस बंदे के साथ काम करना है, कुछ भी हो जाए एक बार करना है। तो जब फर्स्ट टाइम हम एडमिशन लिए थे, तो फर्स्ट टाइम मिले, सेकेंड ईयर में भी मिले, थर्ड ईयर में भी मिले, तो हर बार ऐसा होता है, कभी ना ग्रुप में फोटो खिंचाई तो उसको फोटो में से सबको एडिट कर दिया, खुद का फोटो क्रॉप करके रूम पे लगा के रखा था। पर एक बार हम लोग जब लास्ट टाइम मिले एनएसडी में, तब मैं एक्साइटेड थी, तो मैंने सबको साइड कर दिया। मैंने कहा भाई हो गया, दूर हट जाओ, मुझे अकेले खिंचवानी है फोटो। तो मुझे लगता है वो मन में इतना बन गया था ना, कि बाहर निकलती वो हो गया। तो जिस तरीके से मेरा रोल था ओजा का, जो कैरेक्टर था, कि एक वाइफ है पर बहुत सीधी है, जिसको किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं, परिवार से मतलब है, सिर्फ उसके लिए परिवार ही सब कुछ है। कई बार आज के जमाने में ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं। ये कैरेक्टर्स आपको या तो बहुत गाँव में देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सब एडवांस हो गए ना, तो कोई भी अपने तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया में भ्रमण करके आता है। तो वो इतना दूषित हो चुका है इंसान, मतलब मैं भी अपने आप को भी काउंट कर रही हूँ, मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ बचाने की बहुत बहुत बार। लेकिन जो थॉट ओजा का था ना, ये दायरा, तो ओजा को बनाने के टाइम पे मुझे लगता था कि नवाज सर को देख के, जो मेरा है ना, कि मेरा एक फैन है अंदर नवाज सर के लिए, तो फिल्म में वो फैन मैंने वाइफ को बना दिया, क्योंकि हर वाइफ के लिए उसका पति हीरो होता है यार। जी बिल्कुल, तो यानी कि आइडल कैरेक्टर हो गया आपके लिए वो, और हाँ, कर गए, और बहुत अच्छा, मतलब लोगों ने पसंद किया, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस कैरेक्टर की जब फिल्म रिलीज हुई तो चर्चा होने लगी, और फिल्म काफी चर्चित भी रही, और आपका भी नाम हो गया उस फिल्म से। वैसे तो नजरबंद से ही नजर में आ गई थी आप, लेकिन उस फिल्म से और चर्चे होने लगे, इंटरव्यूज होने लगे, हम जैसे लोग आपको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे कि एक इंटरव्यू दे दीजिए। हम भी 15-20 दिन से ऐसी बातें कर रहे थे, 1 महीने से, मुझे लगता है। ये तो बात आपने की है। एक चीज यहाँ मुझे और याद आती है इंदिरा, कि जो ये हाँ कैरेक्टर्स आप कर रहे हो, जो एक एक अभिनेत्री के तौर पर आप परिपक्व होकर तैयार होकर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उससे पहले बिल्कुल फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। मम्मी का जिक्र किया आपने, बहुत स्ट्रांग लेडी है, मैं भी जानता हूँ। व्यक्तित्व निर्माण जो उन्होंने आपका किया, हर तरह की चीजों से निपटना, फेस करना और उसको कर गुजरना, शायद वो यहाँ काम आता है, ये आपने अभी जस्टिफाई भी किया। राइट, बिल्कुल काम आता है, क्योंकि वो आपको बार बार एक ही चीज समझा रही है कि तुम जो हो, तुम में और तुम्हारे काम में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। अगर तुमको देखा जाए और तुम नहीं हो, और तुम्हारे काम को देखा जाए, तब भी पता चलना चाहिए कि ये इंदिरा है। तो हर बार उनका बोलना था कि इसके आगे पीछे कुछ होता नहीं, तो उन्होंने हमें ना और रास्ते, उन्होंने बोला और कोई रास्ता नहीं है, मेहनत एकमात्र रास्ता है। अगर वो करके तुम निकल गई तो निकल गई, बाकी चीजों में जाओगी तो भटक जाओगी। वो हर बार बात करती थी कि तुम्हें कौन सा
बहता हुआ पानी जो बनना है, तो वो बार बार कहती थी अगर तुम रुक गई तो वहां एक अजीब सी बदबू फैलेगी क्योंकि सड़ान हो जाती है। रुकना अलग है और एक अपने आप में जो होता है ना, पानी भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देती है, बहुत सुंदर सुंदर बातें करती है। अभी अगर हम बात करते हैं, जब दो फिल्में हो गई आपकी, तीसरी फिल्म का हम जिक्र करेंगे अभी, तो अभी उनकी तरफ से कभी कोई क्लास लगती है अभी भी डेली शाम को कि हाँ ठीक है शाम हो गई अब बताओ क्या किया आज दिन भर, ये किया वो हम किया, रोज किस तरह से क्या वीडियो कॉल करते हैं, रोज वीडियो कॉल होता है, रोज बात होती है। अभी भी शायद वैसा ही है जैसा पहले था, हमारे बीच में कोई इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। जैसे वो पहले भी कभी अपने आप को खुल के नहीं बताती थी कि उसको कैसा लगा मेरा काम, आज भी नहीं बताती है। बट अभी मैं इस पे बोल रही हूँ, मम्मी आजकल फेसबुक पे कमेंट में दिल विल भेजने लगी है मेरे, तो कुछ और मैं भी उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप निश्चित ही अभी देख रही होंगी इस इंटरव्यू को, और अभी नहीं तो शायद बाद में रिकॉर्डेड देखें, लेकिन बहुत ही आगे जाने वाली है इंदिरा, और ये सभी कुछ आपकी मेहनत का फल है जो आप हम सभी लोग इंदिरा के रूप में देख पा रहे हैं। इंदिरा बातें हो रही है, मम्मी की हो गई बातें, और अब आगे निकलते हो तीसरी फिल्म की तरफ। बड़ा बैनर, संजय लीला भंसाली जी, बड़ी स्टार कास्ट, आलिया भट्ट और भी कई लोग, और उसमें इंदिरा तिवारी का एक रोल, किस तरह का, ये फिल्म कैसे मिली, थर्ड फिल्म पिक्चर गंगूबाई कैसे का मिली? ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे सरप्राइज मुझे मिला है, या मैं ये बोलूँ कि डबिंग करते टाइम मुझे ऐसा ऐसा हो रहा था कि क्या हुआ है। उस तरीके से सबको सरप्राइज मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो पिक्चर मुझे श्रुति महाजन मैम ने मुझे सर से मिलवाया था। तो श्रुति महाजन मैम से मैं जब मुंबई आई थी तो मैंने जिन डायरेक्टर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज ड्रॉप किए थे, मैम भी थी उसमें, तो उन्होंने मुझे लिखा भी था कि जब अगर समय है, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मिलेंगे देखेंगे क्या बात है। और वो इत्तेफाकन जल्दी जल्दी हम मिल लिए, बात हो गई। तो जब मैं सीरियस मैन की शूट कर रही थी उसी दौरान उन्होंने मुझे संजय सर से मीटिंग करवाई, तो उस वजह से फिर मैंने टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया अपना सर को, और मैं चीजों के लिए सिलेक्ट हो गई। और मुझे पहले पता नहीं था मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो दिवाली पार्टी में अमिताभ सर के घर पे मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ। उसके पहले तक मुझे कुछ नहीं मालूम था, तो मेरे लिए वो ऐसे दिवाली गिफ्ट जैसा होता है ना, वो वैसा हो गया था। तो आप कुछ बात करना चाहेंगी अभी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं प्रोडक्शन हाउस के कि बात हाँ, करें? मतलब नहीं, मुझे लगता है बात नहीं भी करनी चाहिए, सरप्राइजेस रहने चाहिए। और दूसरी बात, हाँ, हम लोग बाउंड भी होते हैं चीजों को लेकर, तो आलिया के साथ का थोड़ा एक्सपीरियंस, यहाँ तो फीमेल करेक्टर लीड में है। हाँ, मतलब काम वही ना, दो एक्टर्स मिलते हैं और दोनों ओपननेस है। जैसे सर के साथ का मैं एक बात बोलती हूँ कि सुधीर सर है या संजय सर है, मैं एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्टर्स के साथ काम करी थी, क्योंकि बीच में मेरा डबल शिफ्ट लग गया था जब मैं सीरियस मैन में कर रही थी काम। तो मुझे समझ में आया कि सुधीर सर बात करते हैं और इम्पल्सिवली जो शूट करते हैं उनको एक दो बार में मिल जाता है, पर सर का बिल्कुल ऑपोजिट है। सर का ऐसा है कि जैसे हम नाटक में काम करते हैं और मंथन होता जाता है और निकलता जाता है चीजें, मतलब वो बोलते हैं क्रीम हो रहा है, चीजें हो रही है, बन रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, तो एक दिन में एक ही सीन शूट होता है और एक्टर सब लोग इन्वॉल्व होकर जितना टेबल पे लेकर आते हैं उतना ही सर भी रिस्पेक्टफुली चीजें सुनते हैं, और सुन के फिर जो भी पिक्चर के बेनिफिट में बोले या कहानी के लिए जो प्लस में रहता है, उन चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो एक्स्ट्रा चीजें वो हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो सर के साथ काम करते हो, आपको सिलेक्टिविटी के लिए बहुत पता चलता है, मतलब आप कभी कंफ्यूज नहीं रहते हो। चार तरीके आते हैं पर चार में से कौन सा करना है वो पता चलता है, बहुत मजेदार है। और एज को एक्टर नवाज सर हुए या आलिया हुए, मतलब मेरे लिए, मैं दोनों कंपेयर करके देखो, एक आर्ट फिल्म एक कमर्शियल फिल्म, मतलब इसको आर्ट इसलिए बोलेंगे कि ओटीटी पे तो आया बट जिस तरीके की कहानी है, तो सर का काम करने का एक तरीका है, सुधीर सर का, संजय सर का काम करने का एक तरीका है, यहाँ पे नवाज सर है, यहाँ पर आलिया है, एज एन एक्टर की एक थिएटर बैकग्राउंड से आई हुई बंदी, और उसको दोनों के साथ काम करने मिल रहा है। तो मेरी मेरी लर्निंग प्रोसेस, मतलब आज की तारीख में मैं ये बोल सकती हूँ मैं दुनिया के किसी भी बंदे के साथ काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से तैयार हूँ। बिल्कुल, यानी कि आप पूरी तैयारी के साथ इस रंगमंच से निकलकर फिल्मी दुनिया के पर्दे पर खड़ी हैं, और निश्चित ही ऐसी कई सशक्त भूमिकाएं आपको आने वाले समय में और मिलेगी। हो सकता है कि कुछ सोलो ही आपको करनी पड़े और जो आपकी एक इमेज मेकिंग का काम करें, और ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोगों की तो है ही है, हम जो आपसे जुड़े लोग हैं,
तमाम आपके जो चाहने वाले फैंस हैं उनकी भी होंगी। यहाँ ऐश्वर्या का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्या आपकी छोटी बहन। मैं यहाँ दर्शकों को, देखने वालों को बता दूं कि ऐश्वर्या इनकी छोटी बहन है और बहुत गुणी है। उन्होंने किताब भी लिखी है अभी, और दोनों ही प्रतिभा संपन्न बहनें हैं। दोनों के अंदर बहुत सांत, बहुत प्रेम है। एक दूसरे के बगैर बहुत कम रह पाती हैं, लेकिन अब मुंबई में है, वो भोपाल में है, तो कैसे, क्या मिस करती हैं ऐश्वर्या को मम्मी के साथ। ऐश्वर्या ऐश्वर्या को बहुत मिस करते हैं। बात रोज होती है, वीडियो कॉल सेम वही बात। हम लोग कभी भी कॉल कर लेते हैं, कोई वो नहीं है, जब मन करता है। लेकिन मैं चाह भी रही हूँ वो आ जाए मेरे पास, लेकिन फिर हमारे दिमाग में आता है कि फिर मम्मी क्या करेगी। तो हम लोग उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और मेरा नेक्स्ट टारगेट वही कि हम तीनों साथ कैसे आए, तो हमको वही करना है काम के बीच में। और मम्मी कहती है हाँ हम तो मिले हुए हैं, तुम्हारा फ्लो अच्छा चल रहा है, वहीं रहो। ऐश्वर्या का ऐसा है कि ऐश्वर्या मुझे, जब मैं दिल्ली चली गई, हम कभी अलग नहीं रहे, तो मेरा दिल्ली जाना उसके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था शुरू में। बट धीरे धीरे वो कह रही थी कि ये तो दायरे से निकलना है, बड़ा काम करना है, तुमको बड़ा करना है, इंदिरा दीदी तुम्हें बड़ा करना है। ऐसी जब मैं वापस आई तो उसने मुझे इतनी सारी कविताएं पढ़वाई, मैंने एक एक कविता पढ़ी। मुझे लगा कि किसके लिए लिखा है, क्या लिखा है, तो मैंने उसको पलट के पूछा कि भाई प्यार व्यार में हो क्या तुम, मतलब इतनी प्रेम कविताएं चल रही हैं, हो क्या रहा है। तो मुझे बोली सब मैंने तेरे लिए लिखी है। और ये बोल के फिर माँ ने कहा कि मैं सोच रही हूँ इसकी किताब छपनी चाहिए। और किताब की बात निकली, पब्लिशर से बात हुई और सब कुछ हो गया। तो ऐश्वर्या की जो बुक है प्रेम मलंग के किस्से, मैं अभी भी रखते बैठी हूँ, तो प्रेम अरे मलंग के किस्से तो बहुत अच्छा, ऐश्वर्या की बुक को लेके इसमें 100 प्रेम कविताएं हैं। और उसने बड़े, जितना लिखा है मुझे पढ़ने के बाद विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसने लैंग्वेजेस पे काम किया। उसने उर्दू सीखी, हिंदी हिंदी लिटरेचर से वो पढ़ाई कर रही थी। और उसी दौरान उसने जब मुझे बताया कि इंदिरा दीदी मैं इसमें कर रही हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं बहुत खुश हुई। बिकॉज थिएटर, उसका बैकग्राउंड थिएटर वो करती थी पहले। बिल्कुल और बिल्कुल। यानी कि आपके साथ ऐश्वर्या भी अपनी दिशा में आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और निश्चित ही आप दोनों बहनें काफी गुणी हैं, और आगे जाकर निश्चित ही कुछ और नया कुछ देखने को आपके जरिए सभी लोगों को, हम सभी को, भोपाल के वासियों को तो मिलेगा ही, बाहर जो आपके फैंस हैं उनको भी मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे एक करना चाहूंगा कि फिल्में आप कर रही हैं, फिल्मों में सीधा ब्रेक मिला, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको। टेलीविजन में मौका मिलेगा तो काम करेंगी, फिर उसके बाद उसी से जोड़कर एक सवाल पूछूंगा, जवाब भी कॉमन चाहूंगा, कि अगर टेलीविजन में काम मिला वो करेंगी, तो फिर बाद में टेलीविजन फिल्म के बाद क्या वापस थिएटर भी करेंगी, क्योंकि रंगकर्म तो आपकी पृष्ठभूमि में है, कहीं ना रंगकर्म से ही आप आई। जी मैं पहले टीवी के बारे में बताऊं, मेरे को शुरू में जो सीरियल ही ऑफर हुआ था, लेकिन मेरा बोलना था कि अगर वो कहानी मुझे अच्छी लगती है और वो किरदार मुझे अच्छा लगता है कि उससे मैं हर दिन शूट कर सकूं, ऐसा करूं कि मैं 500 एपिसोड निकाल पाऊं, उससे मुझे कुछ मिले और मेरी ग्रोथ हो, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं देख भी नहीं पाती हूँ फिर ऐसी चीजें, मुझसे नहीं होता है। नाटक का ऐसा है कि मुझे पता है मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, अगर लोगों को मेरी चीजें समझ में आई और जो मैं चाह रही हूँ उस तरीके के रोल मुझे मिले, या जैसे मैं अभी ओपनली बोल रही हूँ मैं अब लीड करना चाहती हूँ और ये मेरे मन की बात है, क्योंकि मैं सपोर्ट बहुत अच्छा करती हूँ, ये मुझे पता चला है काम करने के दौरान। लेकिन अगर मुझे जब लीड मिलेगा तो उसका ग्राफ भी मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, ऐसा मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो अगर चीजें मिलती हैं, वर्कआउट होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ साल की बात है, अगर वो बना तो बना, लेकिन नहीं बना तो नाटक, तो नाटक हमेशा से ऐसा था कि जब जब ब्रेक रहेंगे ना तो अपने आपको रिफ्रेश करने के लिए तो मुझे करना है ही, पर मौका मिले तो। अभी मैंने ये शुरू किया है ना, तो इस बीच में कभी कभी मेरे को जब प्ले मना करना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ा दुख हो जाता है। लेकिन अगर मैं इन सब में सामंजस्य बिठा के इन्हें बैलेंस कर पाई तो शायद वो इंटरेस्टिंग होगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब आने वाले समय में इंदिरा हमें कई रूपों में दिखेंगी, और हो सकता है कि कभी फिल्म डायरेक्ट करती हुई भी दिखें। एक आयाम जो छूट गया था उसका भी जिक्र अगर कर दें हम, तो जिक्र हुआ है तो फिक्र की जरूरत नहीं है, ईश्वर सब करेगा, और साथ में माँ है तो फिर सब कुछ होना है। बहुत बातें हुई इंदिरा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी कुछ बातें शेयर की आपने अपने जीवन की, और बहुत, क्योंकि समय का एक प्रतिबंध होता है, बहुत समय हम हमारे पास इतना होता नहीं कि हम, क्योंकि दिन भर भी कम है अगर हम बहुत सारी बातों को लेकर बैठे, लेकिन फिर भी हमने बहुत जीवन की
को रेखांकित कर लिया आपके शुरू से लेकर अब तक, तमाम चीजों का जिक्र उसमें आ चुका है। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जाते जाते एक चीज और, वैक्सीनेशन चल रहा है कोरोना से, सब लोग बहुत परेशान है पिछले 1.5 सालों से, आप हम सभी लोग, तो आपकी तरफ से एक गुहार सभी लोगों से कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, तो किस तरह से कहना चाहेंगी लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने जितने अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, तो उनको जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, और अपना अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपको निकल के काम करना है। अगर आप घर से निकलना चाहते हो, लाइफ में फ्यूचर देख रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट है, जाके वैक्सीनेशन लगवाइए। और वैक्सीनेशन लगवाने लगवाने भर से ही काम नहीं होने वाला है, उसके बाद भी आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। जब तक चीजों से हमको निजात नहीं मिल जाता, तब तक थोड़ा सा कुछ छोटा सा जो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज इस चीज को लेके थोड़ा सीरियस हो जाइए, और कुछ भी रिक्वेस्ट इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या, और माफी वाह, ये चाहूंगा थैंक इन्हें यू प्रिपरेशन। सो जाते जाते दो लाइनें जरूर कहूंगा कि कुछ पा लिया कुछ पा रहा, कुछ पाना मुझको बाकी है, तब भी तलाश जारी थी अब भी तलाश जारी है, ये भी इंदिरा पर फिट बैठती हैं लाइनें। और निश्चित ही इंदिरा, हमारी बहुत शुभकामनाएं, न्यूज पुराण की तरफ से ढेर सारी मच। शुभकामनाएं, आगे बढ़ें, भोपाल का नाम रोशन करें और नित नए आयाम गढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तहे दिल से शुक्रिया आपका।